हमें चावल वावल की हमें खाली घर पहुँचाओ, हमें गाड़ियाँ दे दो, हम किराए भी दे देंगे खुद, हमारे पास राशन भी। और यहाँ मौके पे जितने भी जो छोटी लेवल है डीसी साहब से नीचे, यहाँ खाली मौके पे एक चेयरमैन साहब। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। अभी हम बठिंडी मोड़ में खड़े हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। यहाँ पे यूनुस जी हैं। यूनुस जी क्या कर रहे हैं आप अभी यहाँ पे? अरफाज साहब मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पर आए हमारे पास। तो सर मैं शागिर्द बना रहे हैं, आप लिस्टें बना रहे हैं, क्या है सर ये? पहले भी मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि शायद कि नहीं, तो मेरी एडमिशन से बात हुई थी। वॉलेंटरली मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे जो भी दरमंदा लोग हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन या खासकर सजाद साहब जो उनकी टीम जो है, उनने मुझे बोला कि यार आप जाके तो थोड़ा लोगों को एनरोल कीजिए, आप देखिए किस डिस्ट्रिक्ट के कितने लोग कहाँ पर दरमंदा हैं। तो मैं उनका यहाँ पर बना रहा हूँ, ये लिस्टें मेरे पास कुछ तैयार हैं, कुछ मैं लिस्टें सबमिट कर चुका हूँ, कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। ये देखें पीछे आपके सामने इंटर डिस्ट्रिक्ट जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जी विद इन जे एंड के उनकी। ये कितने दिन हो गए आपको लिस्ट में? सर मुझे आज लगभग पिछले 4 दिन से मैं कंटिन्यू से काम में लगा। कोई गाड़ियाँ निकली यहाँ से अभी तक? अभी हमने श्रीनगर की हमने पर कल निकाली थी, 2-3 गाड़ी निकाली, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं आई अभी तक। अब हमने उनसे फिर रिक्वेस्ट की है कि गाड़ियों का अरेंजमेंट करो, क्योंकि ये लोग सारे मुझे ही फ़ोन करें, मेरे पास आ रहे हैं। तो उनसे फिर रिक्वेस्ट की मैंने कि हमने गाड़ियों का अरेंजमेंट करो। इस वक्त खास करके मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, मेरे पास कम से कम 400-500 लोग डोडा गुंडो के दरमंदा यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हर 10 मिनट के बाद मुझे कॉल करते सर हम क्या करें, गर्मी बढ़ रही है और राशन अनाज खत्म उनके पास है, बुरा हाल उनका है। तो मैं अकॉर्डिंगली आगे उनको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, वो भी अपने तरीके से लगे हैं। अब आगे क्या ताकीद कहाँ पे हो रही है वो पता नहीं है, लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी भी आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप जो है अपनी पर्सनल जो है गाड़ियाँ कीजिए और उनके भी पासिस बनवाइए, क्या इस तरह का कुछ नहीं ना? हमें उनने कभी ऐसा इस किस्म की बात बताई? तो हमारे पास जो पर्सनल गाड़ी वाले आते हैं उनका फॉर्म अलग से भर लेते हैं, वो हमने अलग से सबमिट किए हैं। अब उनके पास कब बन के आएंगे, क्योंकि उनका नंबर उन पर मैंशन होता है, तो वो उस नंबर पे कॉल करके वो अपना पास ले जाते हैं। अब किसी और एजेंसी ने बोला हो उसका हम नहीं जानते हैं। यहाँ पे हमारे से और भी काफ़ी सारे लोग हैं। सर कहाँ रहते हैं? हम जैसे रहने वाले डोडा बलेश के हैं जी। तो ये सिदरा में है, आज सिदरा में है। हाँ तो क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत ये आ रही है, हमने कई बार मेल किया डीसी ऑफिस में भी, उसके बाद नोडल ऑफिसर जो उनको भी मेल किया, उसके बाद पटवारी का बोल रहे थे कि पटवारी के पास जाओ, पटवारी हमारा सिदरा में अभी तक वो मिला ही नहीं। नंबर हमने लिया लेकिन बहुत बार हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन ही नहीं मिला उसका, स्विच ऑफ आता है। हाँ तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम है, हम 20-25 आदमी हैं जिसकी वजह से ना खाने का कोई बंदोबस्त है ना कुछ है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि हमें कोई गाड़ी दे दो, उसका जो जायज़ किराया होगा हम किराया भी दे देंगे, तो हमें अपनी जगह बलेश में पहुँचा दो। आपका नाम? देखिए सर मेरा नाम मोहम्मद असलम है सर। थैंक यू सर आपका यहाँ हमारे हम तक आने के पहुँचने का सर धन्यवाद। सर हम जो मुसाफिर लोग हैं, जो मतलब गरीब तबके के लोग यहाँ पे जम्मू में रह रहे हैं, सभी मज़दूर लोग यहाँ पे अपनी मजदूरी दिहाड़ी कमाने के लिए यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे दरमंदा दो महीनों से यहाँ पे दरमंदा हुए हैं, मतलब राशन की किल्लत है, रहने सहने का मतलब रेंट पर रूम लिया हुआ है, तो वो भी मतलब कहीं कमाने का कोई सिस्टम नहीं है। तो मतलब दिहाड़ी लगा कर ही सभी लोग, मतलब जो मजदूर लोग यहाँ पे आकर कमाते हैं अपनी दिहाड़ी कमा कर खाते हैं। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत सर यही आती है कि मतलब जो आजकल जो लॉकडाउन में फंसे हुए लोग अपना घर जाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है। आपने लिस्ट में नाम लिखवाया अभी? हाँ सर, हाँ सर, दो चार बार हमने लिस्ट में नाम भी लिखवाया है, डीसी ऑफिस में हम खुद भी चले गए, वहाँ पर नाम दर्ज किया, हम खुद कॉल करेंगे, पर वहाँ से कोई कॉल नहीं आया। 8-10 दिन हो गए कोई कॉल वहाँ से नहीं आया। अब यहाँ पे हमने भी 2-4 फार्म हमने यहाँ पे कुछ शिकायतें ऐसी आ रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पर्सनल गाड़ी वाले जो हैं उनके पास जो है जल्दी से इशू हो रहे हैं, जिनके पास पर्सनल गाड़ियाँ नहीं हैं उनको दिक्कत आ रही है, क्या इस तरह का कुछ आपके साथ हुआ वाकई? देखिए सर जिनके पास पैसा है, जो पैसे वाले लोग, जो अमीर लोग हैं जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं उनको तो परमिशन मिल रहे हैं, जो गरीब लोग हैं जो जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है पैसा नहीं है वो अपनी परमिशन कहाँ से बनवा सकेंगे? देखिए सर इसी के साथ जो अभी सियासी लोग जो हैं, जो लीडर हमारे हैं, जो MLA वगैरह हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर वगैरह जो हैं एक्स वगैरह, वो भी आज इस मसले पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो भी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, ना किसी मसले पर वो भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। भाई लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं, वो उनको उनसे कह रहे हैं कि भाई आप DC ऑफिस में चले जाओ, ऐसे ऐसे मतलब राह तो सभी दिखा रहते हैं लेके लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जाता कोई ही है। तो आज देखिए डिमांड करते हैं
सर हम यही डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, यही हमारा ये मतलब सवाल है कि यहाँ जो दरमंदा मुसाफिर हैं उनको अपने अपने घर लौटाया जाए और गाड़ियों का भी इंतज़ाम किया जाए। डीसी साहब से हम लोग मतलब डीसी साहब से लोग जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हमें गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाए, वहाँ से मतलब डीसी साहब कहते हैं भाई हमारे पास गाड़ियों का कोई भी इंतज़ाम नहीं है, गाड़ियों का इंतज़ाम बनेगा तभी लिया जाएगा। तो मतलब बहुत सारे लोग जो मतलब दरमंदा मुसाफिर यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी मतलब फाका कशी का शिकार हुए हैं। क्या नाम है? मेरा जनाब अब्दुल हमीद, मैं बनिहाल से है सर। मेरे को 2 महीने हो गए यहाँ, मैं लेबर का काम कर रहे हैं मंडी में, हमारे बच्चे साथ हैं। हमने 5 बार आज तक लिस्ट दे दिया डीसी ऑफिस, लेकिन वहाँ से हमें कोई ऑर्डर नहीं आया। आप जनाब मेहरबानी गवर्नमेंट का इतना है ना, हमें राशन चाहिए ना गवर्नमेंट के पैसे हमें चाहे, हमें बाल बच्चों के पहुँचने दे दो, हमें खाली लिफ्ट दे दो। आरटीसी गाड़ियाँ अगर आपके पास है, जब हालात ख़राब होती है तो वो गाड़ियाँ इसीलिए है, उससे भी बदतर आपके सामने। हम एडमिशन को भी पता है कि यहाँ के लोग मजबूर है, लेकिन ये कोई कार्रवाई एडमिशन ये फैल लग रहा है हमें कि हम जैसे बेड़ बकरी समझता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट। हमें चावल वावल की हमें खाली घर पहुँचाओ, हमें गाड़ियाँ दे दो, हम किराए भी दे देंगे खुद, हमारे पास राशन भी। और यहाँ देखा हमें ये गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, ये चाल छोड़ो, ये गवर्नमेंट की चाल है। हम बच्चे बीवियाँ लेकर हम पूरे रोड पर धरना लगाएंगे, हम कत्ल भी हो जाएंगे कि लेकिन हम एडमिशन को फिर नहीं मानेंगे। 4 बजे तक हमें मैसेज दे दो कि हमारे साथ क्या करना, वरना हम पुलिस को इतना कह रहा कि हमारे बच्चे मरेंगे बठंडी रोड पे, हम बच्चे लेकर आएंगे हम बठंडी रोड बंद कर देंगे। ये कौन लोग हैं? हमें कोई कानून नहीं जरूरत है, जो हम किसी कानून से नहीं डरेंगे, ना डरा है। जिन लोगों को भेजा जा रहा है जो और उनकी जिन लोगों को भेजा जा रहा है उनको घर की पर्सनल गाड़ी है, वो अपनी फैमिली बच्चे लेकर इस वक्त घर में ऐश कर रहे हैं, लेकिन हम दहरीदार बंदे हम कहाँ से गाड़ी लेंगे? हमारे लिए अगर गवर्नमेंट ने रखा है ये आरटीसी गाड़ी एक एमरजेंसी के लिए, हम इनको तेल खर्चा भी दे देंगे, ये गवर्नमेंट कंगाल है। नहीं तो इनके सामने इतने लोग परेशान, हम कोई बेड़ बकरी यहाँ नहीं रहे, वरना हमें ऑर्डर दे दो तो हम धरना लगाएंगे 4 बजे के अंदर। गवर्नमेंट एडमिशन को हम कह रहे हैं कि हमारा इंतजाम करो, वरना हमारे बच्चे मरेंगे, हमारी बीबी माई बहन, हम सब धरना जहाँ पर सीआरपी पुलिस इन्होंने रखा है वहाँ पर हम इनके साथ अटैक करेंगे, हम यहाँ खुद धरना लगेंगे। आपकी पुलिस की कोई यहाँ तो हमारी हालत देखो, हमारी परेशानियाँ देखो। क्या क्या नाम है आपका? इम्तियाज अहमद। इम्तियाज कहाँ रहते हो? हम डिस्ट्रिक्ट डोडा गवा मरमत रहते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर हम इधर काम करते थे तो अब हमने घर जाना है, इधर फंसे हुए 2 महीने से, इतना कोई खर्चा पानी है, काम शाम भी बंद है, इधर बैठे ऐसे ही खर्चा पानी सब कुछ खत्म है, अब क्या करें इधर बैठ के। क्या अपील करेंगे आप? हम यही अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द घर पहुंचा दिया जाए, गाड़ियां हमारे पास पर्सनल गाड़ियां भी नहीं, हम गरीब बंदे हैं, हम कहां से पर्सनल गाड़ियां करें तो फिर जाएंगे घर, अगर कुछ ना कुछ होगा आरटीसी बस लगा के हमें घर पहुंचा दिया जाए। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बठिंडी मोड़ में हम खड़े हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे, सुबह भी काफ़ी रश था, ये जो लोग अपना लिस्टों में अपना नाम लिखवाए बैठे हैं और कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं और कोई किश्तवाड़ से है, कोई डोडा से है, कोई बानिहाल से है, कोई रामबन से है, कोई उधमपुर से है, कोई पुंछ का है, कोई रजौरी का है, तो इनको इंतज़ार है कि कब हमारा जो नंबर आए और हमें जो है अपने अपने घरों की ओर भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग थे ये किन्हीं कारणों से यहाँ पे फंस चुके थे, कोई लेबर का काम कर रहा था, कोई मेडिकल की वजह से यहाँ पे आया हुआ था, कोई पढ़ाई की वजह से यहाँ पे आया था, वो सब बंद है अभी। तो लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, जो ईद भी माह रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद भी आने को है, तो लोग चाहते हैं कि ईद जो है वो अपने अपने घरों में बनाएँ और अपने घरों की ओर रुख करें और ज़मींदारी का काम भी जो अभी शुरू हो चुका है तो वो भी अपना जो पूरा करें। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मांग को देखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए और जिस तरह से ये कुछ बातें जो सामने आ रही हैं, कुछ शिकायतें सामने आ रही हैं, जिस तरह से ये जो पर्सनल व्हीकल्स की बात जो कही जा रही है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर भी जो है विचार करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आरटीसी गाड़ियां लगाई जाएं और नॉर्मल किराया जो रहता है वो उनसे लिया जाए, वो देने को तैयार हैं लोग, लेकिन पर्सनल गाड़ियाँ जो है हर कोई नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है लोगों को, 1.5-2 महीने से जो लोग हैं बेकार हैं, पैसा ख़त्म हो चुका है, तो वो जो गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पर्सनल गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो है आरटीसी बसेस जो हैं वो अवेलेबल जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करवाई जाएं। मैं अरफाज़ अहमद डेंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।